अगर आप भी वेट कर रहे थे मकर संक्रांति जनरेट इमेज एडिटिंग वीडियो की, तो वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आप लोग के लिए न्यू प्रॉम्प्ट लेकर आ गया है, जिससे आप भी अपने लिए इस तरह की मकर संक्रांति स्पेशल एज जनरेटेड इमेजेस क्रिएट करा सकते हो विद योर कस्टमाइज्ड नेम एंड ऊपर पे हैप्पी मकर संक्रांति लिखा हुआ है, जो एकदम रियलिस्टिक लुक दे रही है। इवन आप चाहो तो इसमें अपना फेस स्वैप कराकर अपनी इमेज को और रियलिस्टिक बना सकते हो। तो कैसे आज की इस मेरी एक प्रॉम्प्ट से अलग अलग टाइप्स की इमेज क्रिएट करा सकते हो, इवन गर्ल्स के लिए भी, तो आज की इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वॉच करना। वैसे आज के समझेंगे वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज जनरेटेड इमेजेस टूल्स पे आ जाना है। यहीं भी आपको सिंपली प्रॉम्प्ट लिखना होता है और प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेज क्रिएट करके दे देती है। तो मैंने आज मकर संक्रांति के लिए प्रॉम्प्ट बनाया, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूंगा और वेबसाइट पे कैसे आना है और जो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट करा वो कैसे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप करे, अदरवाइज आपको ना तो प्रॉम्प्ट मिल पाएगी और ना ही आप इस साइट पे आके इमेज जनरेट करा पाओगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करो, छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो को बिना देखे खुद से करोगे तो शायद जनरेट नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेम चेंज करना होगा, आपको अपना नेम डालना है मेरा नाम के जगह पे, जैसे कि यहाँ पे दीपक लिखा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम वगैरह, जो अपने फ्रेंड के लिए जनरेट करना चाहते हो तो उनका नाम लिख सकते हो। एंड सेकंड चीज, यहाँ पे जो कपड़े हैं उसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने टी शर्ट लिखा है तो आप उसे शर्ट लिख सकते हो या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करोगे तो हमारे इमेज जनरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे इमेज जनरेट। बट अगर आप इस टूल पे आके जनरेट करोगे तो यहाँ पे जनरेट होना शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे लॉगिन करना जरूरी होता है, साइन अप करना जरूरी होता है, तब जाके लॉगिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब साइन अप करके बहुत ही आसानी से साइन अप कर सकते हो अपने फोन नंबर या जीमेल डाल के। जैसे साइन अप कर लोगे यहाँ पे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, देन आप भी मेरी तरह इस तरीके से इमेज जनरेट करा सकते हो। अगर आपसे साइन अप या लॉगिन नहीं हो पा रही है तो मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊं कि कैसे साइन अप करनी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हुई है, तो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तब देख सकते हो इमेज हमारे क्रिएट होकर बहुत ही अच्छे से आ गई है। टी शर्ट में हमारा नाम लिखा है एंड साथ में हैप्पी मकर संक्रांति भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड किसी किसी में नहीं भी लिखा होता है तो आपको यहाँ पे 2-3 बार जनरेट कराना होगा। अगर आपको अच्छा इमेजेस चाहिए तो आपको 2 से 3 बार जनरेट कराना होगा, उसमें से आपको कुछ बेस्ट इमेजेस सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से जनरेट करा कर देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे 4 इमेजेस मिली थी जो कि मुझे 2 या 3 ही पसंद। तो नेक्स्ट इमेज जनरेट कराने के बाद यहाँ पे भी हमें एक अच्छी इमेज मिल गई है, एंड यहाँ पे ये भी इमेज बहुत ही बेहतरीन लग रही है क्योंकि इसमें हैप्पी मकर संक्रांति बहुत अच्छे से लिखी है, बट जो मेरा नाम है वो अच्छे से नहीं गया, यहाँ से पी गायब हो चुका है। बट कोई नहीं, मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ क्लोन करके कोई से भी मोबाइल फोटो एडिटिंग ऐप से। तो कुछ इस तरीके से इमेज जनरेट हुई है जो कि ठीक ही लग रही है। यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि जो टी शर्ट है उसका हम कलर डालेंगे, कलर वगैरह नहीं डाला था तो ये अपने हिसाब से रेंडमली हमें कलर जनरेट करके दे दी थी, कभी ब्लू कभी व्हाइट, बट हमें ऑरेंज टी शर्ट ही चाहिए तो हम यहाँ पे ऑरेंज टी शर्ट करके जनरेट कर दिया है। नाउ आप देख सकते हो हर फोटो ऑरेंज टी शर्ट ही आई है, अब ये बहुत ही अमेजिंग लग रही है एंड चारों में से चारों इमेजेस मुझे सही लगे। तो इस तरीके से मैं इमेजेस को सेव कर लूंगा, एंड अगर आप भी सेव करना चाहते हो तो इस तरीके से सेव भी कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से बॉयज के लिए हम जनरेट करा चुके हैं, एंड अगर हमको गर्ल्स के लिए जनरेट कराना है, मतलब यहाँ पे बॉयज की जगह पे गर्ल्स रखना, तो हम यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। तो बॉयज के लिए हमने प्रॉम्प्ट कॉपी करा था, बट मैंने आपको नहीं बताया था प्रॉम्प्ट कहाँ से कॉपी करना है। तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रॉम्प्ट तो लिखा होगा बट वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसके ऊपर में एक लिंक दिया हूँ। अगर आप उस साइट पे जाओगे तो आप इजिली किसी भी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो, जैसे बॉयज के लिए प्रॉम्प्ट कॉपी करना है एंड अभी हमें गर्ल्स के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, तो यहाँ से मैं गर्ल्स वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। एंड जिस टूल पे हम इमेज जनरेट कर रहे थे उस ऑप्शन पे फिर से जाना है, तो यहाँ पे सिंपली जो क्लिक बिलो लिंक लिखा है यहाँ पे सिंपली आप टैप करोगे, उसके बाद आप उस टूल पे आ जाओगे और यहाँ पे जो हमने बॉयज के लिए प्रॉम्प्ट लिखा था उसे हटाकर यहाँ पे गर्ल्स के लिए लिख लेता हूँ। एंड सिंपली आपको यहाँ पे भी नेम को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे राशि लिखा है तो आप यहाँ पे कुछ भी नेम डाल सकते हो अपने आप से, जैसे कि यहाँ पे दिया डाल सकते हो, टीना या जो भी गर्ल्स लोगों का नाम रहता है वो आप यहाँ पे डाल के क्रिएट को प्रेस कर देना। 5 से 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे इमेजेस आ जाएगी। नाम यहाँ देख सकते हो गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छे से इमेज जनरेट होके आई है जो कि काफी सही लग रही है। इस वाली इमेज को देख सकते हो जो रियलिस्टिक लग रही है, एक बार और जनरेट करके देख लेते हैं एंड रिजल्ट देखते हैं कैसे हमें इमेजेस क्रिएट करके देते हैं। तो इस बार भी हमें कुछ अच्छे खासे इमेजेस दे दिए हैं जनरेट करके, जो कि ये भी ठीक ही लग रही है, बट कभी कभी जो नेम है ना वो थोड़ी सी रॉन्ग आ जाती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी अगर आप यहाँ पे रीजनरेट कराओगे तो नेक्स्ट बार में आपकी नेम अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार जनरेट करके देख लिया जो कि बहुत सही है, बट हम अब कुछ चेंजेस करेंगे। गर्ल्स में भी ये सिंपल सा टी शर्ट और शर्ट आ रही थी, बट हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि इसमें हम जो टी शर्ट लिखा है उसे हटा देंगे और मैं अभी इसमें सलवार सूट डालूंगा एंड देखते हैं रिजल्ट हमें ऐसे देखने को मिले।
नाउ देख सकते हो ये जो रिजल्ट है सलवार सूट में और भी काफी सही से ट्रेडिशनल लुक दे रही है। अल्टीमेटली इमेजेस बहुत तगड़ी लग रही है। मैं यहाँ पे 2 से 3 बार जनरेट करके दिखाया, सलवार सूट वाले ड्रेस तो और भी ज्यादा सही लग रही है। एंड यहाँ पे क्या होगा अगर हम बॉय के लिए कुर्ता पैजामा ऐड करके जनरेट कराएं, तो हमें सिंपली मैंने गर्ल्स की जगह बॉय लिख दिया एंड नाम तो हमने चेंज कर दिया। एंड जो सलवार सूट लिखा था उसे याद से कुर्ता पैजामा लिख देना, वरना आपको सलवार सूट पहनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट करा एंड कुछ सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हो कुर्ता पैजामा वाली भी इमेज जनरेट होके आ गई है। ये भी इमेज सही जनरेट करके दी है। एंड फिर से हम क्रिएट करके देखेंगे तो अब भी इस बारी हमें अच्छे से इमेज जनरेट करके दे दिया है। तो जितना भी हमने इमेज जनरेट किया तो उसे आप सेव कर सकते हो एंड जो सही लगता है उसे ही सेव करना। एंड बात करें कि हम फेस स्वैप कैसे करा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने फोटोज पे कराया था, तो आप भी कैसे जो फोटो जनरेट करे उस पर आप अपना फेस कैसे डाल सकते हो, मतलब स्वैप करा सकते हो। जो मैंने प्रोम के लिए लिंक दिया था उसके लास्ट में आपको यहाँ पे उस टूल का भी लिंक दे दिया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ वहाँ पे। आप देख सकते हो फेस स्वैप टूल करके यहाँ पे एंड इस टूल पे प्रेस करोगे तो आप उस टूल पे जाके फोटोज को अपलोड करना एंड आप भी किसी इमेज पे अपना फेस स्वैप करा सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप इस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हो जिसमें मैं अच्छे से बताया हूँ कि कैसे आप फेस स्वैप करा सकते हो। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही काम की चीज। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। बाय।